जैसे कि मैंने बोला था बजट और बजटरी कंट्रोल के ऊपर, बजट और बजटरी कंट्रोल के ऊपर हर एक अटेम्प्ट में आपको कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है। सो बजट और बजटरी कंट्रोल आप ऑप्शन में नहीं डालोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मुझे इसमें आईएमपी निकाल के देना रहेगा तो आईएमपी निकालते टाइम मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि फ्लेक्सिबल बजट कैश बजट को ज्यादा वेटेज देना, उसके साथ साथ प्रोडक्शन बजट को देना। ओके, मैक्सिमम चांसेस इस बजट के ऊपर आने का आपको चांसेस है। ओके, सो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना। उसके बाद में वर्किंग नोट का स्पेशल प्रैक्टिस करना, वर्किंग नोट हवे में मत उड़ाना, वर्किंग नोट का स्पेशल प्रैक्टिस करना। और हो सके तो जितना राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो राइटिंग को प्रायोरिटी देना, राइटिंग वाला काम ज्यादा करना। ओके, राइटिंग के साथ साथ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, सिर्फ देख देख के कंसेप्ट को समझने की कोशिश मत करो। आपके पास टाइम है, उस टाइम का अच्छे से फायदा लो। क्वेश्चन नंबर वन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगेन ये क्वेश्चन नंबर वन फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, आपको दिखता रहेगा। ओके, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, आपको दिखता रहेगा। द मंथली सितंबर 2019 बजट फॉर द प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट तनिषा लिमिटेड फॉर टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी वेयर एज फॉलो। आपको 60% 100% लेवल एक्टिविटी दिया है। बजटेड प्रोडक्शन बोला है 15,000 यूनिट्स एंड 25,000 यूनिट्स, मतलब 60% पे 15,000 यूनिट बन रहा है, तो 100% में 25,000 यूनिट्स बन रहा है। वेजेस बोला है 60,000 और 1 लाख। कंज्यूमेबल स्टोर्स 45,000 एंड 75,000। मेंटेनेंस 55,000 75,000। पावर एंड फ्यूल 80,000 1 लाख। डेप्रिसिएशन 2 लाख 2 लाख। इंश्योरेंस 50,000 50,000। टोटल आ रहा है 4,90,000 एंड 6 लाख। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बजट ऑफ 80% 90% कैपेसिटी लेवल फॉर सितंबर 2019। आपको 80% 90% कैपेसिटी पे बनाना है। कंप्यूटर टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ द आउटपुट एट 80% 90% कैपेसिटी लेवल। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक समझाया था कि जिस ट्रिक नियोलॉजी की है। ओके, कि हम लोग अपने क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हो सके तो आज के लेक्चर में जितना चैट बॉक्स का यूज कर सके उतना चैट बॉक्स का यूज करना, लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम रहता है, यूनिट पर यूनिट का वैल्यू सेम रहता है, बरोबर। फिक्स कॉस्ट में क्या सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट में क्या सेम रहता है, अमाउंट सेम रहता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों नहीं सेम रहते, मतलब पर यूनिट भी सेम नहीं रहेगा और टोटल अमाउंट भी सेम नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आइटम है वेजेस। वेजेस का अमाउंट अमाउंट सेम नहीं है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं रहेगा। अभी चेक करने का है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब उसका पर यूनिट सेम रहना चाहिए, तो पर यूनिट सेम है कैसे देखेंगे, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स करो। 60,000 डिवाइड बाय 15,000 यूनिट्स करो, कितना आ रहा है देखो। चेक करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड बाय फिफ्टीन थाउजेंड 4 आ रहा है। 1 लाख डिवाइड बाय 25,000 1 लाख डिवाइड बाय 25,000 यूनिट्स, उधर भी 4 आ रहा है, दोनों जगह 4 है। डेट इज अवर वेरिएबल कॉस्ट, मैं तो यहाँ पे वीसी लिख रहा हूँ। देन हम लोग कंज्यूमेबल स्टोर्स चेक करें। 45,000 डिवाइड बाय 15,000 कितना रहे, 45,000 डिवाइड बाय 15,000 3। 75,000 डिवाइड बाय 25,000 उसका भी 3 आ रहा है, चेक करो। यस, तो ये भी क्या रहेगा हमारे लिए, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। अभी मेंटेनेंस 55,000 दिया है, 75,000 मतलब फिक्स कॉस्ट तो नहीं रहेगा। अभी चेक करने का वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, देखने का सेम पर यूनिट सेम है क्या, तो पर यूनिट सेम नहीं आ सकता है। इसका रीजन 55,000 डिवाइड बाय 15,000 और 75,000 डिवाइड बाय 25,000 3 होता है, बट 55,000 डिवाइड बाय 15,000 3 नहीं होता है। तो ये क्या रहेगा हमारे लिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है। देन पावर एंड फ्यूल चेक करो, कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, आप मुझे बताओ। पावर एंड फ्यूल वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट,
अमाउंट सेम नहीं है मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगा, देखने का फिर पर यूनिट सेम है क्या, पर यूनिट सेम रहेगा तो समझिएगा वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट भी सेम नहीं है तो वेरी गुड, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। अभी डिप्रिसिएशन 2 लाख 2 लाख है, दैट इज अवर फिक्स कॉस्ट। इंश्योरेंस 50,000 50,000 तो हमारे लिए बन जाएगा फिक्स कॉस्ट। इधर तक किसी को डाउट, इधर तक किसी को डाउट, वेरी गुड। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कॉलम कैसे बनेंगे, ओके पर्टिकुलर 80% 90% 80% में पर यूनिट अमाउंट का कॉलम, 90% में पर यूनिट अमाउंट का कॉलम, अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो ऊपर दिए हुए डिटेल का डायरेक्ट यूज करके भी आप निकाल सकते हो, 60% 100% का कॉलम बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर्टिकुलर 80% 90% पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, यहां पे मैं ए वेरिएबल कॉस्ट लिखता हूं, बी फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं, कॉलम बना के हुए रहेगा तो डन मैसेज भेजो चैट बॉक्स में, ज्यादा डिजाइन मत करो, बेसिक कॉलम बनाया तो भी चलेगा। सॉरी हम लोगों ने पहली वेरिएबल कॉस्ट कौन सा, फिक्स कॉस्ट कौन सी, ये सारी चीजें लिख के रखी है, ओके सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा वो लिख के रखा है, तो हम लोग सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का पोस्टिंग करते हैं, देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास दो है, वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, वेजेस एंड सेकेंड आइटम कंज्यूमेबल्स स्टोर्स, वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो वेजेस का अमाउंट हम लोगों को कितना दिया है, 60,000। पर यूनिट का वैल्यू कितना आया था वेजेस का, पर यूनिट का 4 रुपीज आया था ना, और इसका 3 रुपीज आया था, बरोबर, पर यूनिट का वैल्यू 4 रुपीज आया था, तो 4। अभी यहाँ पे 80% पे कितनी यूनिट्स आएंगी, अगर 60% पे 15,000 यूनिट्स है तो 80% पे कितने आएंगे, अगर 60% पे, यहाँ पे वर्किंग नोट लिख रहा हूं, 60% पे 15,000 है तो 80% पे कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, 20,000, बरोबर, कितना आएगा, 20,000 आएगा। कैसे करोगे, 15,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 80 करोगे तो भी वही आंसर आएगा। 90% पे कितनी यूनिट्स आएंगे, 90% पे कितनी यूनिट्स आएंगे, 20 to 500, बरोबर। अभी वेजेस का वैल्यू लिखेगा, 4 into 20,000, 4 into 20,000 कितना आ रहा है, 4 into 20,000 कितना आ रहा है, 80,000, 4 into 20 to 500, 4 into 20 to 500, 90,000। कंज्यूमेबल स्टोर्स का एक का वैल्यू 3 रुपीज आया था, 3 into 20,000, 60,000, 3 into 20 to 500, 67,500। इधर तक किसी को डाउट, इधर तक किसी को डाउट, नो, वेरी गुड। अभी हम लोग फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस है, फिक्स कॉस्ट में पहला आइटम है डेप्रिसिएशन,
और इंश्योरेंस, तो फिक्स कॉस्ट में अमाउंट सेम रहेगा, डिप्रिसिएशन का वैल्यू 2 लाख दिया है, इंश्योरेंस का अमाउंट 50,000 दिया है, 2 लाख एंड 50,000। चलो बताओ पर यूनिट का अमाउंट कितना आएगा, पर यूनिट का अमाउंट 80% में कितना आएगा डेप्रिसिएशन का, कितना आ रहा है पर यूनिट का अमाउंट कितना आएगा, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितना आ रहा है 10। इंश्योरेंस का कितना आ रहा है 50,000 डिवाइड बाय 20,000 2.5 बरोबर। हाँ अभी 90% में 2 लाख डिवाइड बाय 22,500 8.88, तो उसको 8.89 करेंगे हम लोग। 50,000 डिवाइड बाय 22,500 2.22 बरोबर, 2.22 आ रहा है। यस अभी दो आइटम है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो पार्शियली वेरिएबल कॉस्ट होगा पार्शियली फिक्स कॉस्ट होगा, तो ये दो आइटम वेरिएबल कॉस्ट में भी आएंगे फिक्स कॉस्ट में भी आएंगे। क्या क्या दिया, मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल, मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल, तो मैं दोनों जगह पे लिख रहा हूं मेंटेनेंस पावर एंड फ्यूल। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को अमाउंट दिया है मेंटेनेंस पावर फ्यूल का और यूनिट्स भी पता है, तो इस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला, ओके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो फॉर्मूला क्या है, चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट्स। हम लोगों को 60% और 100% का वैल्यू दिया है, 60% और 100% का मेंटेनेंस का वैल्यू दिया है, 60% में वैल्यू कितना दिया है 55,000 और 100% में कितना दिया 75,000, यूनिट दिया 15 और 25, तो 75,000 माइनस 55,000 डिवाइडेड बाय 15,000 माइनस 15,000 तो कितना आ रहा है 20,000 एंड 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 2 पर यूनिट। इसमें किसी को डाउट, ये 2 रुपीज निकाला इसमें किसी को डाउट, ये 2 रुपीज निकाला इसमें किसी को डाउट, ये फॉर्मूला याद रखो चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंजेस इन यूनिट, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अभी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का, तो बच्चे लोग टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग कोई भी एक का 60% 100% कोई भी एक का मेंटेनेंस का फुल अमाउंट लेंगे, तो मेंटेनेंस का फुल अमाउंट हम लोग 60% का ले रहे, कितना है 55,000 फुल अमाउंट है। उसमें मुझे वेरिएबल कॉस्ट सॉरी फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, बट मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है 2 रुपीज पर यूनिट है, इनटू वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है, टोटल यूनिट्स कितने 15,000, तो 55,000 सॉरी तो फिक्स कॉस्ट प्लस 30,000, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 55 में से 30,000 गया, आया कितना 25,000। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट मेंटेनेंस के वैल्यू में,
मेंटेनेंस का टोटल मैंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाला, इसमें किसी को डाउट? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में रिप्लाई दोगे? वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं। वेरिएबल कॉस्ट मेंटेनेंस का हम लोगों ने निकाला 2 और मेंटेनेंस का फिक्स कॉस्ट निकाला हम लोगों ने 25,000। तो 2 × 20,000 हुआ कितना? 40,000। 2 × 22,500 हुआ कितना? 45,000। मेंटेनेंस का 25,000, 25,000 दोनों साइड आएगा पर यूनिट। अभी 25,000 डिवाइड बाय 20 कहाँ पे? मैंने 60% 100% को बेस माना है ना, तो 25,000 मैंने 15,000 ही आएगा। मैंने बेस 60% और 100% को माना है। ओके, तो 25,000 डिवाइड बाय 20,000 आया कितना? 1.25। 25,000 डिवाइडेड बाय 22,500 तो आया कितना? 1.11। अभी ऐसे पावर एंड फ्यूल का अमाउंट निकालना है। पावर एंड फ्यूल, क्लियर? अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट्स, बरोबर। चेंजेस इन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सॉरी पावर एंड फ्यूल का कितना वैल्यू? 1,80,000। तो 1 लाख माइनस 80,000 और यूनिट्स 25,000 माइनस 15,000 तो आएगा कितना? 20,000 डिवाइड बाय 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 55K तो इसका है ना, 60% कैपेसिटी का। हम लोग अभी निकाल रहे किसने, किसका? 80% कैपेसिटी का निकाल रहे हैं ना, तो 80% कैपेसिटी में चेंज नहीं होगा क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से अमाउंट में तो चेंज होगा। सेम कैसे आएगा? सेम आएगा तो फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फर्क क्या रहेगा? टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट, ओके, मतलब क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो पावर एंड फ्यूल किसी एक का अमाउंट ले लो, अभी मैं 100% कैपेसिटी वाला ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपीज है वहां पे। कोई भी एक ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं मैं ले रहा हूँ वही लेने का है। यस यस, 1 लाख फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना? 2 × 1 लाख के टाइम पे यूनिट्स कितने? 25,000 यूनिट्स है, तो फिक्स कॉस्ट कितना आया? 50,000। चेक करो आ रहा है क्या 50,000 आ रहा है क्या फिक्स कॉस्ट? चेक करो आप 60% कैपेसिटी का लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जिसका डिटेल कंप्लीटली अवेलेबल है वो परसेंट ले लो। 60% 100% का मुझे यूनिट्स और अमाउंट दोनों पता है। हम लोग 20 और 22,500 का नहीं ले सकते बिकॉज उसका अमाउंट ही पता नहीं हम लोगों को। तो 2 और 50,000 बरोबर। तो पावर एंड फील 2 और अमाउंट फिक्स कॉस्ट का 50,000। तो 2 × 20,000 हुआ कितना? 40,000। इसका यहाँ पे टोटल भी कर लेता हूं मैं। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हुआ कितना? 11 बरोबर। वैल्यू कितना हो गया? 2,20,000। अभी यहाँ पे पर यूनिट निकालने का फिक्स कॉस्ट का, तो 50,000 डिवाइड बाय 20,000 2.5। दूसरे इसमें 50,000 90% 50,000 डिवाइड बाय 22,500 तो आया कितना? 2.22।
20,000 करेगा तो 40,000 आएगा, 2 into 20 to 500, सॉरी 2 into 20 to 500 45,000, ओके वहां पे 45,000 आएगा। अभी फिक्स कॉस्ट का टोटल करने का, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 कितना है, 3,25,000, यहाँ पे भी 3,25,000 ही आएगा। चेक करो आ रहा है क्या, वैल्यू है 14.44, 3,25,000 डिवाइडेड बाय 20,000 16.25, ये हो गया अपना टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करेंगे, ए प्लस बी, 3,25,000 प्लस 2,20,000 तो आया कितना, 5,45,000 डिवाइड बाय 20,000 27.25, 2,47,500 प्लस 3,25,000 तो आया कितना, 5,72,500 प्लस 14.,  यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो लिख लो, लिख के होने का डन मैसेज भेजो। स्टार्ट करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। हम लोग प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट पूछा है इस क्वेश्चन में। अंकृति लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट एक्स और वाई ऐसे दो प्रोडक्ट को बना रहे, ये बना रहे मतलब हमारे लिए बन जाएगा फिनिश गुड्स। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2019 it is expected to sell 7,500 kg of the product X and 3,700 kg of product Y. 7,500 X का बेच रहे और 3,700 X का बेच रहे, मतलब finished product है। X का rate है 60 rupees और Y का rate है 32 rupees per kg. The direct material A, B, C are mixed in the proportion of 4:4:2. Okay? In the manufacture of the product X, X बनाने के लिए हम लोग तीन raw material use कर रहे A, B, C. जो 4:4:2 के रेशियो में लगेगा, मतलब 2:2:1 के रेशियो में, इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए 3:5:2 का हम लोगों को प्रोपोर्शन लगेगा। ओके द एक्चुअल एंड बजट इन्वेंटरी फॉर द ईयर आर एस फॉलो, मटेरियल एक्स सॉरी ए बी सी मतलब रॉ मटेरियल है एक्स वाई, ये फिनिश प्रोडक्ट है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग एंड हम लोगों को रेट दिया है, एक यूनिट परचेस करने का रेट दिया है, एंटीसिपेटेड कॉस्ट पर यूनिट मतलब इसका परचेस रेट हम लोगों को दिया, रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करेंगे तो रॉ मटेरियल का परचेस का रेट दिया है। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड द मटेरियल बजट, मटेरियल बजट मतलब परचेस बजट, शोइंग द परचेस कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 का हम लोगों क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, प्रोडक्शन का हम लोग रॉ मटेरियल का नहीं करते, प्रोडक्शन हम लोग किसका करते, फिनिश प्रोडक्ट का। तो फिनिश प्रोडक्ट का हम लोगों क्या निकालना है, प्रोडक्शन बजट निकालना। स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन बजट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई,
ओके सबसे पहले हम लोगों को दिया है सेल वाली यूनिट, तो सेल कितना किया 7500 और वाई का कितना किया 37500 बरोबर। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे या लेस करेंगे, अभी हम लोग उल्टा चले, नॉर्मली सेल या हमारा लास्ट आइटम रहता है बरोबर, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड होगा क्या लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड होगा क्या लेस होगा, यस ऐड होगा, और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा लेस। ओके इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, ओके लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक बरोबर। तो हम लोगों को मिलेगा कि हम लोगों ने इस बार कितना प्रोडक्शन किया है वो, तो x और y का ओपनिंग कितना दिया है, ओपनिंग पहला कॉलम ओपनिंग का है तो मैं पहले ओपनिंग लिख रहा हूं 1500 और 3000, दूसरा कॉलम क्लोजिंग का है जो दिया है 2000 और 3500 कितना रहा है बताओ, x का कितना रहा है 7500 में 2000 ऐड किया लेस 1500 कितना आ रहा है, सब लोग लेक्चर में हो ना क्या, सो गए हो, 37500 प्लस 3500 लेस 3000 तो 38000 आ रहा है क्या, चेक करो आ रहा है 38000, वेरी गुड दैट इज अवर प्रोडक्शन, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया बरोबर, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम लोगों को मटेरियल बजट निकालना है, दैट इज परचेस बजट। तो परचेस हम लोग किसका करते हैं, रॉ मटेरियल का क्या फिनिश गुड्स का, हम लोग परचेस रॉ मटेरियल का करेंगे क्या फिनिश गुड्स का करेंगे, हम लोग परचेस रॉ मटेरियल का करेंगे क्या फिनिश गुड्स, वेरी गुड किसका करेंगे फिनिश गुड्स का, सॉरी रॉ मटेरियल का, नॉट अ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का, पर्टिकुलर ए बी सी एंड टोटल बरोबर। हम लोगों ने प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बच्चे लोग कितना किया है एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का प्रोडक्शन कितना किया है, एक काम करता हूं मैं सिर्फ ना एक्स का बनाता हूं यहाँ पे, वाई का आप लोग बाद में बनाओ, मैं एक्स का बना रहा हूँ वाई का बाद में बनाओ। एक्स का हम लोग ने 8000 का टोटल प्रोडक्शन किया है, ऑल बोल रहे जब एक्स का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें ए बी सी लगेगा 4:4:2 में, तो ए में कितना आएगा कितना रहे ए का, ए में कितना लगेगा केजी, ए में कितना केजी लगेगा 4:4:2 का रेशियो है ना, 8000 टोटल प्रोडक्शन है, अगर 8000 का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ए बी सी वहां पे 4:4:2 यूज करने वाले, 4:4:2 यूज करने वाले, अरे 8000 है रे, जरा सोच समझ के आंसर दो, 8000 है, अगर हम लोग 4000 2000 करेंगे तो 10000 हो रहा है वहां पे, 3200 एंड 1600 बरोबर,
अगेन एड सर का सर 8000 को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:4:2 में, 8000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का है बस, और क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ए का कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 2400 सॉरी 2400 हो जाएगा, हम लोगों को कंबाइन ही लेना पड़ेगा, दो मिनट रुको, एक्स और वाई का हम लोग सिर्फ नहीं लिख सकते, हम लोग कंबाइन ही लेना पड़ेगा। एक काम करो इतना लिख लो, देन मैं नीचे फिर से स्टेटमेंट बनाता हूँ। परचेज बजट एक्स वाई जेड और इन टोटल, बरोबर हम लोग सॉरी ए बी सी एंड टोटल, ए बी सी एंड टोटल। अभी प्रोडक्शन हम लोगों ने दो चीजों का किया है, एक नंबर वन हम लोगों ने किया है एक्स का, और प्रोडक्शन हम लोगों ने दूसरा किया है वाई का। तो एक्स का हम लोगों ने 8000 का प्रोडक्शन किया और वाई का 38000 का प्रोडक्शन किया, बरोबर। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन, ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। अभी 8000 में जब हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, 8000 में हम लोग जब रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को हम लोग 4:4:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कितना आएगा 3200 एंड 1600। सिंपल ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा करते वैसा करने का। अभी 38000 का प्रोडक्शन है, वहां पे रॉ मटेरियल हम लोग कौन से रेशियो से यूज कर रहे हैं? 3:5:2 तो 38000 को 3:5:2 में डिवाइड करो, 38000 को 3:5:2 में डिवाइड करो तो 7600 तो टोटल कितना हो गया? 3200 प्लस 11400 14600 3200 प्लस 19000 2000 1600 प्लस 7600 9200 8000 प्लस 38000 46000 इसमें ऐड करने का, क्लोजिंग लेस करने का ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहां पे मिलेगा परचेज। ओके तो क्लोजिंग कितना दिए एबीसी का? 2400 5800 उसके बाद में ओपनिंग दिया हम लोगों को 3,250, 3,000, 2,500 और 16,000। चलो बच्चे लोग कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है परचेस एबीसी का? ए का टोटल आया 14,000, बी का आया 30,500, 30,500 आ रहा है, 25,500 आ रहा है, चेक करो एक बार, 25,500 है ना सर?
25,500। सी का कितना आ रहा है 9,200 प्लस 17,300 माइनस 16,000 10,500 चेक करो आ रहा है क्या? हो ये तो ओके चैट बॉक्स का यूज करो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 25,500 टोटल करो अभी टोटल कॉलम में लिखने के लिए इसका टोटल तो 50,000 आ रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग का टोटल करके सेकेंड लास्ट वाले कॉलम में लिखना है अभी आगे का प्रोसेस में समझा रहा हूं ध्यान दो यहाँ पे रेट दिया हम लोगों परचेस का चेक करो परचेस का रेट दिया है 10,860 तो हम लोग परचेस के और परचेस की जो भी टोटल क्वांटिटी है परचेस की जो भी क्वांटिटी है बरोबर 25,500 आ रहा है ओके परचेस की जो भी क्वांटिटी उसके साथ रेट को इंटू करेंगे उसके साथ रेट को क्या करेंगे इंटू करेंगे तो हम लोगों को टोटल वैल्यू पता चलेगा ओके तो इंटू करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ वैल्यू लिखेंगे तो 14,000 इंटू 10 तो आया कितना 1,40,000 25,500 इंटू 8 तो वैल्यू आया 2,04,000 10,500 इंटू 6 तो वैल्यू आया 63,000 तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया परचेस बजट एंड प्रोडक्शन बजट इजी पार्ट है टफ नहीं है कुछ से प्रैक्टिस की जरूरत है जो हम लोग प्रोडक्शन बजट के लिए स्टेप यूज करेंगे वही हम लोग परचेस बजट के लिए यूज करेंगे रेट हम लोगों को परचेस का क्वांटिटी निकालने के बाद में हम लोग अगर उसको रेट के साथ इंटू करेंगे तो परचेस का वैल्यू मिलने वाला है सिंपल लॉजिक तो हम लोगों को परचेस का तो क्वांटिटी पता चला इन केजी उसके साथ साथ अगर हम लोग रेट को इंटू करेंगे तो हम लोगों को परचेस का वैल्यू पता चलने वाला है इसलिए हमने सिंपल क्या किया रेट को इंटू किया रेट को हम रेट हम लोगों को दिया है 10,860 क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी तो हम लोगों ने क्या किया इंटू किया एक चीज सिंपल याद रखो प्रोडक्शन होता है फिनिश गुड्स का और परचेज होता है रॉ मटेरियल का तो जब भी प्रोडक्शन बजट अपने सामने आएगा तो प्रोडक्शन बजट हमेशा फिनिश गुड्स का ही बनने वाला है और परचेज बजट हमेशा रॉ मटेरियल का बनने वाला है दोनों को मिक्स मत करो बेसिक मिस्टेक्स आपके 7-8 मार्क्स कम कर सकते हैं समझा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करो और 10 मिनट का ब्रेक ले लो देन हम लोग बरोबर लिखने के लिए 5 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक तो 12:45 को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे ओके सो आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया है मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस वेरिएबल इन तीन ओके कौन सा है वेरिएबल कॉस्ट हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मालूम है ना इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों का पोर्शन क्या है इंक्लूडेड ओके अंडरस्टूड और आपको जो सेमी वेरिएबल का जो दिया है आपको वो कितने कैपेसिटी पे दिया है 100% कैपेसिटी कितना कॉस्ट है 40,000 मतलब इस 40,000 में दो अमाउंट इंक्लूडेड वेरिएबल कॉस्ट ओके फिक्स कॉस्ट दोनों दिस ओवरहेड्स वेरी इन स्टेप ऑफ 2000 ओके उसका कितना हो रहा है चेंज आपको मालूम है ना हाउ टू फाइंड आउट पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल सेमी में वेरिएबल का पोर्शन कितना है वो निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट अभी चेंज इन कॉस्ट मतलब वेरी है कि इन स्टेप्स कितना चेंज हुआ है 2000 का चेंज हुआ है डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट कितना हुआ है 1000
कितना हुआ है 1000, कितना आएगा 2 रुपए। ये समझा आपको सबको, आपको समझा? तो इतना तो आपको समझ गया कि इस 40,000 में कितने दो, कितने रुपए वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है, 2 रुपया, 2 रुपीज पर ओके यूनिट। ऐसे कितने यूनिट से कितने है कि 1000, कितना होगा, ओ सॉरी 1000 10,000 ओके, जो आपको दिया है पोर्शन कितने सेमी अवेलेबल दिया 10,000 ओके यूनिट्स का, कितना होगा 20,000। अगर 20,000 वेरिएबल कॉस्ट है देन व्हाट विल बी फिक्स कॉस्ट, बताओ कितना रहेगा फिक्स कॉस्ट? कितना रहेगा okay, 20,000 ना, अब बाकी लोग को नहीं समझ रहे क्या? ये तो आवाज, हेलो हेलो आई एम ऑडिबल, ओके। तो अभी हम लोग को बाद में प्रेजेंटेशन करना है ओके, तो देन 20,000 हमारा क्या रहेगा फिक्स कॉस्ट ओके। आपको टोटल फिक्स ओवरहेड्स भी दिए आपको 50,000, तो अभी 20 आया और 50, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा फिर? कितना रहेगा बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट? ओके अभी देखो, आपको उसने क्या पूछा है, 50% वाला, 70% वाला, 90% वाला, ऐसे आप लोग को 3 बार आना है, कोई बात नहीं एकदम इजी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ओके पर्टिकुलर पर्टिकुलर 70%, 80% और 90%, और आपको मालूम है हमारे पास 100% का कैपेसिटी दिया है कि सब में कितना यूनिट्स है 10,000 ओके। अगर 100 के लिए 10 है, 70 के लिए कितना रहेगा यूनिट्स, कितना रहेगा 7,000, 80 के लिए कितना रहेगा 8,000, 90 के लिए कितना रहेगा 9,000। अगर चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 100% के लिए 10,000 है देन 70% के लिए कितना ओके तो कितना आएगा 70 ओके। टेंशन मत लो, सबसे पहले सेल्स, कितना दिया सेल्स, देखो सेल्स 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 प्राइस दिख रहा है, सेल प्राइस कितना है 40 ओके, सेलिंग प्राइस 40, ओके सेलिंग प्राइस कितने 40। चलो लिखते हैं हम लोग,
फिगर कितना एट द रेट 40 है, कितना है का बताओ, इनटू करो यूनिट से, क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स ना, कितना आएगा 728। कितना पूछा है आपने को, 50 70 90 पूछा है आपको, यहाँ पे 70 80 90 लिखा, 50 70 90 ओके सॉरी 50 70 90 यहाँ पे कितना आएगा 50 के लिए कितना, तो आंसर आएगा 5000 के, या फिर 5000 यहाँ पे के 7000। आप बताओ इनटू करो फटाफट, चलो फर्स्ट इनटू ऐसे इनटू करो, कितना आएगा 2 लैक्स, यहाँ पे 728 2 लैक 80, उसके बाद 936 3 लाख 60 ओके, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या लिख लो, फर्स्ट सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना, देखो कितना है एट द रेट ऑफ 10 ना, 10 दिया है ना आपको, चलो ठीक है एट द रेट ऑफ 10 ही, एट द रेट ऑफ 10 इनटू करो 5000 इनटू 10 50000, यहाँ पे 70000, यहाँ पे 90000, फिर डायरेक्ट वेजेस कितना, देखो डायरेक्ट वेजेस 8 है ना 8, एक्सपेंस कितने 2, डायरेक्ट वेजेस 8, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2, करो इनटू फर्स्ट 8 इनटू 5000 कितना आएगा 40000, यहाँ पे 56000, यहाँ पे 72000 बराबर, 2 × 5 करो 10000 14000 और 18000। और एक है वेरिएबल, देखो अपने पास ऑलरेडी कितने वेरिएबल है, 2-3 का वेरिएबल ऑलरेडी था ना, ये 3 का वेरिएबल ऑलरेडी अपने पास था, ठीक है ये 3 का वेरिएबल ऑलरेडी था, प्लस 2 का अभी आया ना, 2 कैसे है मालूम है क्या बोला, ये 2 मालूम कैसे आया, वर्किंग नोट सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना था 40000 था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो वेरिएबल प्रपोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, और चेंज इन कॉस्ट कितना था हमारा 2000 था, कितना आउटपुट चेंज था 1000 यूनिट्स, कितना आएगा रुपीज 2 पर यूनिट, ये वेरिएबल का कितना आया रुपीज 2 ओके, इनटू कितने लेवल पे दिया था आपको वो जो भी दिया था डेटा 10000 यूनिट्स का, टीपीएल भी 20000, तो बचा हुआ क्या रहेगा 20000 क्या रहेगा फिक्स कॉस्ट, तो वेरिएबल पोर्शन देखो यहाँ से आया 5 हो गया, अभी 5 × 5000 करो 25000, उसके बाद 5 × 7 35, उसके बाद 5 × 9 तो हमें अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल एस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट अ कंट्रीब्यूशन, चलो फटाफट बताओ कितना आएगा, सब जन रिप्लाई करो अभी क्या, अभी फर्स्ट व्हाट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा पड़ेगा 2 लाख माइनस 50000 माइनस 40000 माइनस 1000 सॉरी 10000 आएगा ना इधर, 10000 माइनस 45000 देन 75000 विल बी कंट्रीब्यूशन, 2 लाख 80 माइनस
70,000 माइनस this out 56,000 माइनस 13,000 माइनस 35,000 105,000 160 माइनस 90,000 माइनस 72,000 माइनस 18,000 माइनस 135 इसमें से लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट अपने सम में ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट दिया था दिख रहा है आपको देखो यहाँ पे कितना है दिख रहा है 50,000 दिख रहा है ऑलरेडी दिया था तो ऑलरेडी 50,000 था प्लस प्लस आप भी देखो यहाँ पे भी एक निकाला 20,000 दिख रहा है वाला आपको 20,000 कितना होगा 70,000 इट विल बी फिक्स यहाँ पे आएगा 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 35,000 यहाँ पे आएगा 65 देखो मैंने ये सॉल्व किया है एज पर के मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट किसी किसी बुक में आंसर में क्या रहेगा क्या करते हो लोग पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे फिर फिक्स कॉस्ट लिखेंगे फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे फिर सेल्स लेस करेंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो ऑन एंड द सेम तो आपको समझा आंसर रिप्लाई करो फर्स्ट यस कोणते मेथडने सॉल्व करा बट दैट वुड बी ओके इजी ओके अंडरस्टूड ये हुआ है क्वेश्चन आपका हेलो ठीक है बाबू अब हाँ क्वेश्चन कैश बजट का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है देखो आपको कैश बजट का फॉर्मेट आपको मालूम रहेगा सर ने सिखाया रहेगा आपको ओके तो आदित्य क्वेश्चन तो नहीं हुआ थोड़ा बहुत टाइम देखो लिया कुछ जात नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत तुम्हें टाइम दो पहले अपना क्वेश्चन बोल फटाफट अपने मार्च पासून ऑगस्ट पर्यंत डेटा दिला सेल्स दिला परचेस दिला वेजेस दिला एक्सपेंस दिले आणि आपले सांगितले 10% परचेस आणि कॅश सेल्स हा कॅशवर 10% जर कॅशवर असेल तर 90% क्रेडिटवर असेल आणि आपल्याला माहिती सेल्स असेल तर डेटर असतो परचेस असेल तर क्रेडिटर असतो है ना ॲडव्हान्स पेमेंट केलं आपण इन्कम टॅक्स पे केले ऑगस्ट महिन्यामध्ये 50,000 प्लांट मशिनरी परचेस केली जूनमध्ये आपण 1,00,000 तर आपला रूल माहिती आहे ना कॅश बजेटचा पैसा आला तर ॲड पैसा गेला तर लेस कोणता पण असू द्या समजते पैसा चाललाय ना तर लेस महेश काय आला या महेश हॅलो फास्ट चाललंय का स्लो गेला काय फास्ट चाललंय मागचा क्वेश्चन फास्ट गेला मागचा क्वेश्चन हॅलो मग तुम्हाला समजलं का विचारलं तर तुम्ही का रिप्लेस करत नाही अच्छा परत सांगू का तो मागचा क्वेश्चन
चला परत सांगतो बस बघा, 5 मिनिटांमध्ये रिवाइज करतो मागचा क्वेश्चन. एकदम सिंपल क्वेश्चन, फ्लेक्झिबल बजेटचा क्वेश्चन आहे. तुम्हाला 50-70-90% तुम्हाला सांगितलं डेटा काढायला. तुम्हाला हे खर्च दिलेत जे व्हेरिएबल कॉस्ट आहेत, आणि आपल्याला सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट पण दिली. 100% कॅपॅसिटीची आहे, 50-70-90-100%. तर 100% कॅपॅसिटीला जर 10,000 युनिट्स असतील तर 50 किती असणार? 5,000. 70 ला 7,000, 90 ला 9,000. आणि ते सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट किती आहे? 40,000 आहे. ते सांगितलं होतं. सेमी व्हेरिएबलचा अर्थ काय असतो? त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल आणि फिक्स दोन्ही इन्क्लूड असतात. आणि जर तुम्हाला सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट दिली आहे, त्यामधून जर तुम्हाला व्हेरिएबल कॉस्ट साईडला काढायची असेल, तर फॉर्म्युला काय? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट. ओके, तर चेंज इन कॉस्ट किती सांगितली तुम्हाला बघा. व्हेरी इन स्टेप म्हणजे चेंज इन कॉस्ट किती आहे? 2,000. आणि चेंज इन आउटपुट किती आहे? 1,000. जर मी 2,000 डिवाइड बाय 1,000 करणार तर मला भेटणार 2 रुपीज व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट. समजते का? हॅलो. तर जर 2 रुपीज आले आणि किती आपल्याला दिले कॅपॅसिटी? 10,000. जर 2 × 10 करणार तर मला 20,000 ची काय भेटणार? व्हेरिएबल कॉस्ट भेटणार. आणि उरलेली काय असणार? फिक्स कॉस्ट. हे सगळ्यांना समजते पर्यंत ते समजलं हे होतं इम्पॉर्टंट. हॅलो. रिप्लाय करा रे, तुम्हाला विचारलं तुम्ही काय बोलत नाही, मग परत मला परत घ्यावं लागतं. हाऊ डू आय नो दॅट यू आर अंडरस्टूड ऑर नॉट? या क्वेश्चन सगळे क्वेश्चन्स ना झाले ओके ऑलरेडी शिकून. पटापट सांगा समजलं? येस, शाबास. तर अकॉर्डिंगली आपण काय केलं? सेल्स प्राईस इन टू युनिट्स केले, मग आपला सेल्स भेटला, व्हेरिएबल कॉस्ट भेटले, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स मध्ये 3 रुपीज पर युनिट ऑलरेडी दिला होता आणि 2 आपण काढला ओके ते वर्किंग नोट मधून. आपल्याला भेटला 5. तर तुम्हाला माहिती नाही युनिट पर युनिट आहे की पर युनिटनी जर आपण युनिट्सला इंटू केलं तर आपल्याला अमाऊंट भेटते. ही सगळी अमाऊंट आहे ओके. मग आपण लेस करणार, कॉन्ट्रीब्युशन भेटणार. आणि फिक्स कॉस्ट मध्ये पण 50,000 ऑलरेडी होती, 20,000 आपण काढली योजे की त्यांना आपल्याला प्रॉफिट भेटला. सिम्पल. तरी एक सेफर साईड साठी एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या, तुम्हाला नंतर टाइम देईन मी. तुम्हाला लिहायचे पहिले ते सांगा. मग पहिले लिहायचं आहे का? हॅलो. कारण की कसं आहे ना, एकदा आपला क्वेश्चन संपला ना तर आपलं नेटवर्क पण राहतो ना, वाचतो ओके. तुम्ही आरामात लिहू शकता, पण आरामात स्क्रीनशॉट काढून घ्या ओके फक्त. पण तुम्हाला लिहायचं आहे कारण कंपल्सरी ओके. आता बघा, हा कॅश बजेट आहे. खूप मस्त क्वेश्चन, एकदम इझी क्वेश्चन. सगळं आपण डिस्कशन केले आणि आपल्याला टाइम लिमिट दिलं आहे. सेल्स क्रेडिट सेल्सचा दिलं आहे 2 महिने. 2 महिने म्हणजे जर जॅनचा असेल ना, जॅन टू फेब, फेब टू मार्च, 2 महिने. जॅनचं तुम्हाला कुठे पैसे भेटणार? मार्चमध्ये ओके. असं असेल तुम्हाला माहीत असेल ही गोष्ट. वेजेस एक्सपेन्स दिले हाफ मंथचं. तुम्हाला कॅश बजेट विचारलंय 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जानेवारी ओके. 1 जून, 1 जून पासून जून जुलै ऑगस्ट 3 महिने ओके. जून जुलै ऑगस्ट हे 3 महिन्याचं ओके. आपल्याला विचारले कॅश बजेट. तुम्हाला दिलं ओपनिंग बॅलन्स 2 लॅक्स. Are you ready guys? Are you ready? Yeah.
आणि तुम्हाला माहिती ना मस्त ऑनलाईन एक्झाम होणार असं कन्फर्म झाले ना. ऑनलाईन एक्झाम कन्फर्म आहे का आता? काय मस्त भाई, दोन्ही ग्रुपचा फॉर्म भरा बरं सांगतोय. नंतर तुम्हाला उगाच पस्तावं नको वाटायला म्हणून बोलतोय. लेटर ऑन ओके वी विल डिस्कस ओके ऑन दॅट टॉपिक, डोंट वरी. सगळं सांगेल तुम्हाला, टेन्शन घेऊ नका. पहिले क्वेश्चन संपून द्या, मग आपला टाइमच टाइम आहे. सगळं नंतर डिस्कस करू, ध्यान द्या की आता पहिले कॅश बजेट फॉर दी for the month of wait kya karna hai cash budget for the from June to August. Okay, you can say June, July, okay, or August. Understood? यहाँ पे आपको लिखना ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आपको एड लिखना है, रिसीप्ट्स, यहाँ पे आपको लिखना डेज पेमेंट, ये ए, ये बी की और ए सी. ओके, ध्यान दीजिए. आपको पर आने का कैश बजट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग नोट. वर्किंग नोट, वर्किंग नोट एक बार बन गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स फर्स्ट. ओके, कलेक्शन वीडियो ऑन करना पड़ गया, कोई बात नहीं. कलेक्शन फ्रॉम ओके डेटर्स, जान दो क्या करना है. सबसे पहले जो आपको दिया है डेटा, कहां से कहां तक दिया आपको, मार्च से लेके अगस्त तक ना, मार्च से लेके अगस्त तक. जान दो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त. यहाँ पे आपको टोटल सेल्स देखने हैं. ओके, एक ही झटके में सब लोग देख लो कितने हैं. 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, 8 लाख 20, 8 लाख कम देखे कोई बात नहीं. 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, 8 लाख 20, 8 लाख 90. बराबर ना? एक बार फिर से 8 लाख 20, 8 लाख 90. ओके, और आपको मालूम है इसमें क्या बोला उसने, 10% क्या है, परचेस और सेल्स दोनों. ओके, अगर मैं यहां से इसमें से टोटल सेल्स में से अगर मैं कैश सेल्स लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बचा हुआ, क्रेडिट सेल्स. ओके, कितना परसेंट, 10% ना, 10% कितना आएगा, 65,000. यहाँ पे आएगा 70,000, यहाँ पे आएगा 75,000. चलो फटाफट आंसर बताओ, लेस करके 80,000, यहाँ पे 82,000, यहाँ पे 89,000. चलो फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा पहले का.
पहले का आएगा 585, दूसरे का आएगा कितना आएगा 630, फिर 720, फिर थर्ड का कितना आएगा 675, हाँ इसको बोलेंगे क्रेडिट सेल्स। और उसके लिए उसने क्या बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होता है, कैश सेल का कुछ मगजमारी नहीं होता, एकदम सिंपल होता है। क्रेडिट सेल में थोड़ा ओके देखना पड़ता है उसका टाइम क्या है, तो टाइम बोल रहा है सेल्स के लिए टू मंथ्स ओके। तो मैं ऐसे बोलूं सिंपली मतलब मार्च का मई में, टू मंथ्स मतलब ऐसा काउंट करने का, मई टू अप्रैल, अप्रैल सॉरी मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, ओके समझे ना, टू मंथ्स लैग। तो इधर मार्च का मुझे कब मिलेगा, मई ओके 585, तो मुझे मार्च का 585 मिलेगा क्रेडिट सेल ओके, और अप्रैल का जून में, और मई का जुलाई में, और जून का अगस्त में, और हमें सिर्फ मतलब किससे, सिर्फ जून जुलाई अगस्त, ये तीन मंथ से हमको मतलब है, बस उतना हमारा काम है। तो लिख लो कैश सेल्स मतलब पैसा आएगा रिसिप्ट हो जाएगा, आप लिखो ओके कैश सेल्स कितना है जून में है 80,000, यहाँ पे 82,000, यहाँ पे 89,000। क्रेडिट सेल्स सॉरी रादर यू शुड राइट कलेक्शन फ्रॉम के डेटर्स कितना है 630, 675, 720 ओके 675, 720 ओके। ये सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, जो जो बंदा नया नया देख रहा है ना कृपया करके ना देखे ओके समझा, बिकॉज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट इसका लॉजिक सब कुछ तो ऑलरेडी रेगुलर बैच में हो चुका है, इट इज जस्ट ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वे हो गया कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दूसरा और क्यों बनता है, अगर कलेक्शन होता है डेटर से तो पेमेंट किसको होता है, करना पड़ता है क्रेडिटर को, पेमेंट टू ओके क्रेडिटर, फिर से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के और अगस्त, तो उधर टोटल परचेस लिख लो फर्स्ट कितना बताओ, चार लाख 80, 50, 80 चार पांच चेक करते हैं। चार लाख
4 लाख 80 4 लाख 40 4 लाख 80 4 लाख 50। ओके, इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस 10% कैश परचेस। अगर 10% कैश परचेस है तो बचा हुआ क्या रहेगा, क्रेडिट परचेस। कितना आएगा यहाँ पे, 40,000, यहाँ पे आएगा 48,000। चलो फटाफट लेस करके बताओ। यहाँ पे आएगा 4,50,000, यहाँ पे आएगा 3,60,000, यहाँ पे आएगा 3,60,000। अब बताओ इजी वाला, आप ही इट विल बी 4,32,000। इधर भी सेम आएगा 4,32,000। इधर आएगा 1 month। तो इसका मतलब क्या, जो मार्च का है 1 month, ओके, टाइम लैग। जो मार्च का है वो कब मिलेगा, अप्रैल में, और जो अप्रैल का है वो मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, और हमें मतलब ऐसे 3 महीने का, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो अभी ये सब जाएगा पेमेंट में, लेस कैश परचेस कितना है, इट विल बी 48,000, 40,000, 50,000। यहाँ पे पे टू क्रेडिटर कितना है, 4,05,000, यहाँ पे 4,32,000, यहाँ पे 3,60,000। इम्पोर्टेंट वाले हो गया क्या, अभी कुछ सब चिंदी हो गया, अभी अभी कुछ टेंशन लेने का इसने, अभी देखो उसने क्या बोला है। एडवांस पेमेंट, टैक्स का पेमेंट किया अगस्त में 50,000, पैसा गया रहेगा 50,000। लेस पेड टैक्स कौन से मंथ में, अगस्त में, लास्ट मंथ अभी। और क्या किया उसने, प्लांट मशीनरी परचेस किया जून में 1 लाख का, ओके, 1 लाख में, प्लांट एंड मशीनरी परचेस जून में 1 लाख, जुलाई अगस्त में डैश। कुछ है क्या और, हाँ, वेजेस और एक्सपेंस बाकी दोनों का हाफ हाफ मंथ है। हाफ मंथ का मतलब मालूम है ना, बताऊंगा मतलब, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ में, हाफ पेमेंट सेम मंथ में, ओके। वेजेस का अमाउंट देखता हूँ, कॉपी करना पॉसिबल नहीं, कॉपी करना पॉसिबल नहीं है शायद से। कितना टाइम बचता है ना, फिर क्या बात है, गुड, चलो हो गया, मतलब अपना काम हो गया, फटाफट लिख सकते हैं थर्ड, ओके, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये वेजेस है और एक्सपेंस, ओके। फिर से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके, और अगस्त, कितना है टोटल वेजेस,
120,000, 150,000, 150,000, 180,000, 180,000, 2 lakhs. इसका भी ध्यान तो प्लीज इम्पोर्टेंट, जो भी आपको टाइम लैग दिया होता है, टाइम लैग दिया होता है वो रहता है हमेशा अगले मंथ, मतलब आगे का। अभी आप जैसा आपको 2 मंथ्स दिया था कलेक्शन फॉर्म डेटा, इसका मतलब क्या, अगर मार्च का रहेगा तो अप्रैल टू मई, मई टू सॉरी मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई मतलब मई में मिलेगा, मार्च का मई में। वेजेस के लिए दिया हाफ मंथ, हाफ मंथ मतलब क्या, हाफ अमाउंट नेक्स्ट मंथ में। फिर हाफ अमाउंट कहाँ पे गया, सेम मंथ में। अबे अगर फॉर एग्जांपल वेट वेट प्लग इन चार्जर, हाँ दें दो। अबे अभी आपको मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल है, दें दो इसके अलावा, ये अभी इसके अलावा अगर ये अप्रैल है, मे और जून, फॉर एग्जाम्पल इसका है 15,000, क्या हो रहा भाई, सर ये वाला एग्जाम बाद में देता हूँ, पहले अपना जो है वो देता हूँ। हाफ ए नेक्स्ट मंथ में आएगा, नेक्स्ट मंथ के जो दिया आपको क्या आपको, एंड बैलेंस हाफ इन के सेम मंथ सेम। अभी मई का वेजेस कितना है 120, उसका हाफ नेक्स्ट मंथ कितना आएगा 60,000, और हाफ सेम मंथ कितना आएगा 60,000। इधर भी सेम 150 का हाफ कितना आएगा 75,000 नेक्स्ट मंथ, और 75,000 सेम मंथ, इसका भी 150 75 नेक्स्ट मंथ, 75 सेम मंथ, 90 नेक्स्ट मंथ, 90 सेम मंथ, 90 नेक्स्ट मंथ, 90 सेम मंथ। फिर 2 लाख का हाफ 1 लाख अगस्त टू अगस्त सितंबर में जाएगा हाफ, लेकिन हाफ तो बाकी हाफ तो अगस्त में जाएगा। अब हमें चाहिए जून जुलाई अगस्त कितना आएगा 75 और 90, इट विल बी 165, 1990, ओके। हमें जिसका जरूरत है वो ही अमाउंट का लेने का, हमें 3 मंथ का जरूरत है, मिल गया हमको 165, 180, 190, लिख लो के वेजेस 165, 180, 190। ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्मेट किसका बनाने का, एक्सपेंस का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कितना है 50, 50, 60, 60 ओके, 50, 50, 60, 60, 80, 80 ओके सेम, इसका भी सेम
ये हो गया एक्सपेंस, हाफ इन नेक्स्ट मंथ, और बचा हुआ बैलेंस हाफ इन ओके सेम मंथ, सेम ओके सेम। अभी इसका हाफ नेक्स्ट मंथ मतलब 25,000 रुपया अप्रैल में जाएगा, और 25,000 रुपया इतनी 25 अप्रैल, 30 जून, 30 मार्च, 30 जुलाई, 30 जून, 80 का हाफ 40 अगस्त में जाएगा, और हाफ सेम मंथ। अभी अगस्त का हाफ सितंबर में जाएगा, और हाफ सेम मंथ हमें चाहिए जून जुलाई अगस्त। टोटल बताइए इनका, यहाँ पे आएगा 60,000, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 80,000, 60, 70, 80, ओके। लिखो यहाँ पे एक्सपेंसेस 60, 70 के 80। यहां तक सबको समझा क्या? यस नो बताओ फास्ट, कम ऑन। सबको पूछ रहा ना, समझा क्या? सबको आंसर देना है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। अभी इसका वेजेस का कभी कभी मन क्या होता है, ध्यान दो। अभी हम लोग अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चंस का पार्ट नहीं, उनको दिया वेजेस ओके। हमको दिया गया वेजेस, इससे क्या प्रॉब्लम है? नए क्वेश्चन से इसको प्रॉब्लम है। आपको दिया है वेजेस, फॉर एग्जांपल अप्रैल मई ओके जून 15,000, 18,000 और ओके 24,000। प्लीज ध्यान दो, और क्वेश्चन में दिया था लैग, लैग दिया था 1/3, टाइम लैग दिया था 1/3 के। वन थर्ड के ऑफ मंथ, 1/3 का मतलब क्या? अभी अभी हाफ दिया था तो इजी था, 1/3 का मतलब क्या ध्यान दो। अभी 1/3 मतलब जो दिया होता है ना हमेशा होता है नेक्स्ट का, ओके 1/3 रहेगा नेक्स्ट मंथ में, तो बच्चा हुआ कितना है, बच्चा कितना है 2/3 और रहेगा सेम मंथ। समझा क्या सबको, समझा बात? अगर 1/3 नेक्स्ट मंथ में है तो 2/3 क्या रहेगा, सेम मंथ। इसका 1/3 कितना आएगा, 15 का 1/3 5,000 रुपया हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, और बाकी बच्चा हुआ 10,000 क्या जाएगा। समझा आपको, सबको समझा बात, सबको समझा ना? आपको क्वेश्चन में ना सब कुछ हो गया अपना, अभी सिर्फ अपने को ना ओपनिंग है ना, ओपनिंग अपने को अभी ओपनिंग बैलेंस लिखना है कि ओपनिंग बैलेंस लिखा ही नहीं हमने कि ओपनिंग देखा, ओपनिंग देखो नीचे दिया कि कितना है ओके 2,000 ओके, और कुछ बचा नहीं शायद, नहीं बचा 2 लैक्स। चार्जिंग पे लगा है ना, सब ठीक है 2 लैक्स ठीक है। अब क्या करना, सिंपली आपको ना टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी और टोटल ऑफ सी करनी, करो पता फास्ट, टोटल ऑफ ए कितना रहेगा, टोटल ऑफ ए बोला सिर्फ ओके, मी डोंट इंक्लूड ओपनिंग, बताओ पहले में कितना आएगा टोटल ऑफ ए,
मैं बोला सिर्फ टोटल ऑफ बी, ओके बी करना है, बी मतलब सिर्फ ये वाला, ओके पार्ट, ये वाला पार्ट, इतने पार्ट बोला ओके, इट विल 143। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट कितना आएगा, सेवन फिफ्टी सेवन। हाउ हाउ, अच्छा ये सिक्स, ओ सॉरी, अच्छा अच्छा इट इज इन सिक्स लेग, सिक्स लेग थर्टी है क्या, कितना है पहले का, फाइव लैक, सेवन लैक फिफ्टी सेवन। नेक्स्ट कितना बताओ, नेक्स्ट फास्ट फास्ट, अबे दोनों का सेम आया, पहले का दूसरा कुछ, सात लाख दस हजार पहले का कितना आएगा, सेवन लैख टेन थाउजेंड, दूसरे का आएगा सेवन फिफ्टी सेवन, तीसरे का आएगा एट लैख नाइन थाउजेंड। अब बताओ टोटल ऑफ सी, टोटल ऑफ सी बताओ, फर्स्ट 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 फोर्टी एट थाउजेंड, वन लैख सिक्सटी फाइव, it will be I think 778, check kar ek bar kya right hai, seven twenty two, 50,000 plus 360, 360 plus 50 प्लस 190 प्लस 80 730, पहले का रॉन्ग है क्या, फर्स्ट का रॉन्ग है क्या, 48,000 प्लस 4,05,000 प्लस 165 प्लस 60, ओके राइट है। तब क्या करना है, सिंपली ए में बी ऐड करना है और सी में लेस करना है, सीलेस करने तो कह रहे अच्छा क्या करना है अभी आपको, सिंपली ए में बी ऐड, ए प्लस बी माइनस सी करना है, ए प्लस बी माइनस सी, यू विल गेट क्लोजिंग, कितने का क्लोजिंग पता पहले का, मतलब 2,00,000 रुपए में 7,10,000 ऐड करना है और 778 बताओ, ऐसा क्यों किया मैं आपको, इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर इनकेस अपना मैच नहीं हो रहा थी? तो हमेशा आपको फिर से टोटल कर, कोई कोई क्या करता है ऐसा है, वो टोटल नहीं लिखता, वो दिख रहा है टोटल ऑफ बी टोटल ऑफ सी नहीं लिखता, डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट लेता है 2 लैक्स प्लस 80 प्लस 630 माइनस 48 माइनस ए, वैसे करता है। उससे क्या होता है, कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है, तो हमेशा अगर रॉन्ग भी हो गए ना अपनी प्रैक्टिस में तो क्या होता है, फिर से कैलकुलेटर में ऐड करने का मगज मरे नहीं होता, टेंशन नहीं, मतलब अपने पास ऑलरेडी टोटल अमाउंट अवेलेबल है ना, जस्ट वी नीड टू एड ओके टोटल अमाउंट, ओके इसलिए टोटल अमाउंट प्रॉपर निकालो, ओके बताओ ए प्लस बी माइनस सी कितना आएगा, 132, अच्छा ओके 132, अगर ये क्लोजिंग है जून का तो ओपनिंग बन जाएगा जुलाई का, बताओ जुलाई का कितना आएगा, फास्ट फास्ट
जूले का कितना, जूले का कितना आएगा क्लोजिंग, ए प्लस बी माइनस सी, बताओ फास्ट कितना आएगा जूले का फास्ट? 167,000 इसका क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा। कितना आएगा अगस्त का फास्ट? 2,46,000 इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्या ये होता, बहुत इजी होता है एकदम चिंदी होके, कुछ टेंशन लेने का नहीं। ओके अभी अपना क्वेश्चन हो चुका है, अभी नाउ यू जस्ट हैव टू राइट डाउन ओके प्रॉपरली, टेक योर टाइम बिकॉज ये अपने काम आने वाला है। ये क्वेश्चन आपको समझा गया, क्वेश्चन समझा गया पूरा वाला, बताओ बताओ बताओ। होप्स को सबको समझा रहेगा, एकदम इजी फॉर्मेट में बताया आपको, मतलब फॉर्मेट का इजी एक्चुअली, टॉपिक ही इजी एक्चुअली, बजट मतलब एकदम चिंदी ओके, और बजट का क्वेश्चन कंपल्सरी आते हैं को, मतलब ऑलमोस्ट आता ही है ना ओके। यू वांट टू लिखना है ना, अभी क्या लिखना है, क्या स्क्रीनशॉट निकालोगे? लिखना है तो आपको अभी ये आपको दिखाना भी अभी लिख के, because I want to discuss something about exam, बाद में डिस्कस करें चलेगा या अभी डिस्कस करें? चलो लेकिन बस फॉर सेफर साइड यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ओके, कोई जाएगा नहीं टेक्स्ट छोड़ के, पहले बोल रहा हूँ हाँ टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। Take screenshot, we will discuss okay later on, please. Take screenshot, come on. Then this one. Okay. Screenshot liya. स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का भी, एकदम मक्खन है क्वेश्चन एकदम मक्खन, अगर इसमें भी अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो भाई आप लोग गलत फील्ड में आके। ओके तो बेसिकली गाइज दिस इज प्रोफेशनल कोर्स, एज यू नो वेरी वेल कि सी ए में प्रोफेशनल कोर्स है अपना, बहुत बेहतरीन बहुत वास्ट बहुत मस्त इंटरेस्टिंग कोर्स है सी ए में। एक बात बोलता हूँ, प्रोफेशनल कोर्स मतलब अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन में क्या होता है मतलब क्वेश्चन हमको यू नो ऑलरेडी हमारा पैटर्न फिक्स होता है कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल कोर्स गाइज, वन थिंग यू शुड के रिमेंबर कि ऐसे एग्जाम ना टाइम टाइम मांगता है, मेरे बात आपको पहले ही बोल चुका हूँ फिर से बोलता हूँ, ऐसे ऐसे एग्जाम प्रोफेशनल कोर्सेस अपना टाइम मांगता है, उनको प्रॉपर टाइम दो, उनको प्रॉपर इज्जत दो, इज्जत दो मतलब नो वन कैन के कंप्लीट दिस सिलेबस के सर आई विल कंप्लीट इन विन टू डेज, नॉट पॉसिबल। हाँ जिसका पूरा हो चुका ऑलरेडी, जस्ट हो गया बुक्स का जो टेक्स्ट बुक का पेपर है पेजेस है वो पलटी कर रहा है बस। मैं ऐसे ही लोगों की बात नहीं कर रहा जिनका अभी स्टार्ट हो गया है प्रिपरेशन है, और फिर से बोल रहा हूँ टाइम दो,
नहीं तो ये इतना इतना डेंजर है ना कोर्स, ये वो अपना टाइम लेगा फिर, तो अपने पास चॉइस है, अपना बहुत से मॉक टेस्ट निकले हैं या जो क्लास टेस्ट होते हैं टेस्ट प्रॉपर दो, मतलब आपको दो ऑप्शन है, एक तो आप एग्जाम दे दे के दो बार मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम देने का, दो अटेम्प्ट लगाने का, थर्ड अटेम्प्ट पास होने का, वैसा करना है, या एग्जाम के पहले ही दो अटेम्प्ट, एग्जाम के पहले ही दो मॉक टेस्ट देके एग्जाम निकालना है, चॉइस यू आर, बिकॉज ये टाइम मांगता है, टाइम देना ही पड़ता है। तो मैं आपको दो बताया ऑप्शन कि एग्जाम दे देके दो एग्जाम दो नॉर्मल अपने जून दिसंबर का, और थर्ड अटेम्प्ट में पास हो जाओ, या फिर जो अपना अभी एग्जाम आने वाला है उसके पहले दो बार मॉक टेस्ट दे दो, चॉइस यूअर्स, बिकॉज हम लोग इतना इंस्टेंट नहीं कि बाबा दो दिन में खत्म करने वाले, जिनका एक प्रिपरेशन हो गया उनकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज इनको टाइम देना है, प्रॉपर सब कुछ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी जो भी है सब कुछ आपको एकदम खरो करना है, मतलब पूरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि बाबा ऐसा क्वेश्चन आया भाई निकल नहीं जाए, पूरा करना है प्रॉपर, समझा? थोड़ा अपना ड्रीम थोड़ा ऊपर रखो रे, सर 40-50-55 बस, बेकार लोग होते हैं, बेकार लोग एकदम ऐसा एकदम पुअर लोग, वैसा थिंकिंग मत रखो रे, ऐसे पुअर लोग, पुअर में पैसे वाले पुअर नहीं बोल रहा, थिंकिंग वाले पुअर, भाई सोचो 70-80 का ना, 70-80 सर सोचने के लिए 100 का भी सोचेंगे, अकॉर्डिंगली वी शुड प्रिपेयर ना, प्रिपेयर उसके हिसाब से करना है फिर सोचना है, साला बैठा बैठा है दो दिन तीन चार दिन वेस्ट करेगा और बोलेगा अरे सोच रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक आ जाओ, ऐसा मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्रॉपर टाइम दो, सोच थोड़ी ऊपर रखो कि सर अच्छा खासा 70 मार्क्स निकालना है, 70 का हिसाब रखोगे तो 60 मिलेगा, समझा? ऐसे हो जाओगे तो अपने क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बजेट थ्री आर्टिकल्स एक्स वाई जेड आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, दे पासेस थ्रू टू कॉस्ट सेंटर ए एंड बी, फ्रॉम द डेटा फर्निश कंपाइल अ स्टेटमेंट फॉर बजेटेड मशीन यूटिलाइजिंग बोथ द सेंटर, आप लोगों को मशीन यूटिलाइजेशन निकालना है कि कितना टोटल मशीन यूज हुआ रहेगा, ओके सेल बजट आप लोगों को दिया है, सेल बजट के बेसिस पे आप लोग क्या निकालोगे, प्रोडक्शन निकालोगे, फिर प्रोडक्शन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करोगे मशीन आवर्स में, ओके यस यस इजी है, बट मैंने आंसर इसलिए जानबूझ के रखा है इधर नीचे, इधर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सेल दिया हम लोग, एनुअल बजटेड सेल दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओके मशीन आवर पर यूनिट दिया है, मशीन हावर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितने हावर्स लगते वो दिए, टोटल नंबर ऑफ मशीन कॉस्ट सेंटर ए में 338 मशीन है और बी में 305 मशीन से, कॉस्ट सेंटर ए में 338 मशीन है, कॉस्ट सेंटर बी में 305 मशीन से, टोटल 643 मशीन अवेलेबल। तो हम लोग सेल बजट के बेसिस पर प्रोडक्शन बजट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे बोला है क्लोजिंग स्टॉक 2 मंथ सेल, पूरे साल का 4,800 रुपए सेल है, पूरे साल का 4,800, तो 2 महीने का सेल कितना आएगा, 2 महीने का सेल कितना आएगा, अगर पूरे साल का 4,800 तो 2 महीने का कितना आएगा, अगर पूरे साल का 4,800 तो 2 महीने का कितना आएगा, दो महीने का 800 रुपीस आएगा, बरोबर 2 महीने का 800 रुपीस आएगा, यस दूसरे इसमें कितना आएगा सर, दूसरे इसमें कितना आएगा, 2400 पूरे साल का है, तो 2 महीने का कितना आएगा, 400, सेम 400 बरोबर 800 400 400 क्लोजिंग स्टॉक मिला, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और सेल दिया उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन निकाल सकते, तो फॉर्मूला क्या है, सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक लेस करो, तो हम लोग को प्रोडक्शन मिलेगा, तो एक्स वाई जेड के सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, देन ओपनिंग स्टॉक लेस करो, प्रोडक्शन मिलेगा। इस प्रोडक्शन में किसी को डाउट, इस प्रोडक्शन में किसी को डाउट,
इस प्रोडक्शन में किसी को डाउट? प्रोडक्शन बजट में किसी को डाउट? वेरी गुड। अभी हम लोग मशीन यूटिलाइजेशन निकाले, हम लोग को प्रोडक्शन पता चला, प्रोडक्शन के साथ में हम लोग को पता चला कि एक यूनिट कितने आवर्स ले रहे, एक यूनिट कितने आवर्स ले रहे। हम लोगों ने यहाँ पे 5000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। एक्स कॉस्ट सेंटर ए में जो एक्स प्रोडक्ट है वो 30 आवर्स ले रहा है, कितने ले रहा है? 30 आवर्स ले रहा है। अगर 5000 प्रोडक्ट्स बनाए 30 आवर्स के हिसाब से टोटल कितने आवर्स लगने वाले? 150,000 आवर्स लगेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 30 क्या बोल रहे हैं? एक यूनिट बनाने के लिए इतने आवर्स लगने वाले। कॉस्ट सेंटर ए में एक्स यूनिट बन रहा है, कॉस्ट सेंटर एक्स ए में एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स प्रोडक्ट के लिए 30 आवर्स लग रहे और बी में 70 आवर्स लग रहे। तो 5000 इंटू 30 और 5000 इंटू 70 करने, देखो 5000 इंटू 30 और 5000 इंटू 70, ऐसे वाई और जेड का भी करना है, ऐसा वाई और जेड का। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आवर्स मिलेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आवर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ आवर्स। देन 150, 5 लाख और 6 लाख, इसमें हम लोगों को टोटल आवर्स मिलेंगे। अगर 7,10,000 टोटल आवर्स लग रहे तो मशीन हमारे पास 338 अवेलेबल है, तो उस मशीन को भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है, उस टोटल नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से इस मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब ये वाला जो लाइन है इसको रेशियो मानो और इस रेशियो के हिसाब से मशीन को डिवाइड करके देखो इतना आंसर आ रहा है। चेक करो, 150, 5 लाख और 60,000, इसका रेशियो बनाओ, 150, 500 और 60। ओके, टोटल 710 है, इस रेशियो से 338 को डिवाइड करो, 71,238 और 29 आ रहा है क्या? चेक करो, चेक करो आ रहा है क्या? इस 338 को इन रेशियो में डिवाइड करना है, 50, 15, 50 और 6, इस रेशियो से डिवाइड करो 338 को, चेक करो 71,238 और 29 आ रहा है क्या? यस, भाविका का आ गया। बाकी के चेक करो आ रहा है क्या आंसर? यस, निकिता का भी आया, रजनी का भी आया, अमृता का भी आया, बाकी ट्राई कर रहे हैं ना? नहीं आ रहे तो बताओ, प्रतीक्षा का भी आ गया, नहीं आ रहे तो बताओ। तो सिर्फ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने का, बाकी कुछ भी नहीं करने का, ये कितना ही क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के एग्जाम में आया था। टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ हम लोगों को स्टेप्स पता होने चाहिए, स्टेप्स के हिसाब से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बजट, चलो फटाफट लिख के लो, देन हम लोग आगे बढ़ते, देन मटेरियल स्टार्ट करेंगे। चलो फटाफट लिखो,